बच्चों नमस्ते बेटा। बच्चों आप सब लोगों को हमारा तरफ से नए वर्ष 2021 का हार्दिक शुभकामनाएं बेटा आप सब लोगों को। ओके बच्चों नया साल मुबारक। हैप्पी न्यू ईयर बेटा। ओके बच्चों आज की क्लास स्टार्ट करेंगे ना बेटा। आप सब लोग रेडी है ना? तो चलो स्टार्ट करेंगे बेटा। ओके आज की क्लास में लेसन 5 मात्रा ज्ञान में ई की मात्रा क्या है बेटा। ओके बच्चों पिछले क्लास में ई की मात्रा आज है ई की मात्रा। ओके बेटा उच्चारण में ऐसा दीर्घ से आना चाहिए ई। ओके बच्चों क्या है ई की मात्रा? किसी अक्षर या वर्ण के आफ्टर आफ्टर ई की मात्रा लगाने से उसका उच्चारण ई से किया जाता है बेटा। फर्स्ट पिछले क्लास में ई की मात्रा कैसा है बेटा? ई की मात्रा क्या है? किसी अक्षर या वर्ण के बिफोर बिफोर मात्रा लगाने से उसका उच्चारण ई से किया जाता है। लेकिन आज का ई की मात्रा में किसी अक्षर या वर्ण के आफ्टर ई की मात्रा लगाने से उसका उच्चारण ई से किया जाता है बेटा। देखो कैसा है। देखो बेटा का प्लस देखो बेटा आफ्टर लगा रहे हूँ बेटा इधर का को किसी अक्षर का के अक्षर के आफ्टर ई की मात्रा लगाने से उसका उच्चारण का प्लस ई की मात्रा की कैसा आ रहा है बेटा? उच्चारण में लास्ट में ई की आ रहे ना बेटा। ऐसा आप प्रोनाउंसिएशन को चेक करो बेटा हम कैसा कर रहे बोल के। ओके बेटा इधर गा प्लस ई की मात्रा इज इक्वल गा के आफ्टर आफ्टर देखो बेटा ई की मात्रा लगाने से उसका उच्चारण हुआ गी। लास्ट प्रोनाउंसिएशन में कैसा आ रहा है बेटा? ई आ रहे ना उच्चारण में ऐसा। और देखो चा प्लस ई की मात्रा इज इक्वल चा के बाद चा के आफ्टर ई की मात्रा लगाया उसका उच्चारण क्या हुआ बेटा? ची। ओके और देखो इधर पा को ले लिया और ई की मात्रा इज इक्वल पा के आफ्टर ई की मात्रा लगाया इसका उच्चारण पी से हुआ। और देखो बेटा इधर टा ले लिया और ई की मात्रा देखो टा के बाद ई की मात्रा आफ्टर। ओके ना बेटा आफ्टर किसी अक्षर या वर्ण के बाद आफ्टर ई की मात्रा लगाया बेटा ये देखो आफ्टर ही लगाया किसी अक्षर टा गा चा पा ट आना बेटा किसी अक्षर को ले लो लेकिन मात्रा तो आफ्टर अक्षर के बाद लगाना चाहिए ई की मात्रा। ओके बच्चों किसी अक्षर या वर्ण के बाद आफ्टर ई की मात्रा लगाने से उसका उच्चारण ई से किया जाता है। कैसा? का प्लस ई की मात्रा की गा प्लस ई की मात्रा गी चा प्लस ई की मात्रा ची पा प्लस ई की मात्रा ई पी टा प्लस ई की मात्रा टी। ये बेटा आज के क्लास में ई की मात्रा क्या है। इसी तरह आपको वर्कशीट दे दूंगा ना बेटा आप अच्छी तरह करके ई का और ई का अंतर भी लिखा होगा बेटा नेक्स्ट क्लास में। ई का और ई का मात्रा कैसा लगाना चाहिए उनका अंतर कैसा होता है नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा बेटा। ओके बच्चों ये है आज का क्लास ई की मात्रा वाला। किसी अक्षर या वर्ण को ई की मात्रा लगाने से उसका उच्चारण क्या होता है आज के क्लास में हुआ बेटा। आप सब लोग अच्छी तरह करके वर्कशीट भेजो बेटा। ओके बच्चों ये है आज का क्लास बेटा। बाय बेटा।